नमस्कार, हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ भिंडी मसाला करी। तो इस सब्जी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg भिंडी, इसको अच्छे से धो के सुखा के बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ले लिया है। 1/2 कप दही, इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया हुआ है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। मसालों में मैंने लिया है 1/4 स्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा, इसको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है। नमक स्वादानुसार और 1 टीस्पून गरम मसाला। तो चलिए बनाते हैं भिंडी मसाला करी। सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे और गैस पर कढ़ाई रख देंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसमें लगभग 2 टेबलस्पून मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। आप चाहे तो कौन सा भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। इस सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा तो हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम भिंडी डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। आप ध्यान रखिए मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो इसमें कच्चेपन का टेस्ट आता है सब्जी में। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम कटी हुई भिंडी डाल देंगे। ध्यान से डालिए, भिंडी में थोड़ा सा पानी जैसा होता है तो भिंडी उड़ती है। अब इसे हमें कंटिन्यूसली फ्राई करना है जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे कंटिन्यू चला के हमें फ्राई करना है। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं बट यहाँ पे मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे हमें सॉफ्ट करना था, ये हो चुका है। अब अपने अनुसार जैसे आपको खाना है भिंडी वैसे पका सकते हैं। तो इसे 4 से 5 मिनट लगा हमें कंटिन्यू चला के पकाने में। अब इसे हम निकाल लेते हैं। जो बचा हुआ तेल है इसी में मैं अपनी सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें मैं जीरा डालूंगी। जब जीरा तड़कने लगेगा तो हींग डालूंगी। इसे 1 सेकेंड के लिए भून लेना है ताकि जीरा अच्छे से पक जाए। इसे हमें कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा सब्जी का। हमारा जीरा भून चुका है, अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ 1 से 2 मिनट मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का लगभग 1 चम्मच पेस्ट डाल रही हूँ। सॉरी, मैंने आपको बताना भूल गई थी। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 1 से 2 मिनट भूनना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन चला जाए। एक से दो मिनट हो चुके हैं, हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप हो सके तो जितना अपना पेस्ट बना के लहसुन अदरक का कद्दूकस करके डालें या पेस्ट बनाकर, जो मार्केट में पैकेट वाला अवेलेबल है प्लीज़ उसको यूज़ ना करें। वो फ्रेश नहीं रहता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर, हल्दी
लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा और हल्दी पाउडर। सारे मसालों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे कंटिन्यूअसली चलाना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। यहाँ पर मसाले 2 से 3 मिनट मैंने भून लिए हैं। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और मसालों में से तेल ना छोड़ने लगे। अब इसे हम ढक देते हैं और बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं और बीच बीच में चला के हमें इसे पकाना है। तो इसे हम एक बार खोल के देख लेते हैं। अभी हमारा मसाला अच्छे से भुना नहीं है और इसे चम्मच की सहायता से टोमेटो को हमें अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इससे हमारे जो ग्रेवी बनेगी बहुत ठीक बनेगी और उसमें अलग ही टेस्ट होगा। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी डाल सकते हैं। हमें चम्मच की सहायता से ऐसे ही मैश करना है और इसे हम कवर कर देते हैं और इसे ढक देते हैं 1 से 2 सेकंड के लिए तब ताकि मसाले से अच्छे से तेल निकल जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले से तेल भी अलग हो रहा है आप देखिए। तो और इसमें हम गैस ऑफ कर देते हैं और ये इसको हल्का सा ठंडा होने दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे मसाले हल्के से ठंडे हो गए हैं। अब इसमें मैं दही डाल देती हूँ। याद रखिए गरम जलते हुए गैस से हम ये करेंगे तो हमारी दही फट सकती है, इसीलिए हम बंद करके दही डाला मैंने। अब इसे अच्छे से मैश कर देते हैं और गैस ऑन कर देंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक इसमें से बॉयल दही हमारा अच्छे से उबलने लगने लगे। हमें कंटिन्यूअसली चलाना है नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। हमें दही को कंटिन्यूअसली चलाना है जब तक इसमें से उबाल ना आने लगे नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। दही में से उबाल आने लगा, इसे हम कवर करके 1 से 2 मिनट पकाएंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारे मसाले कितने अच्छे से पक चुके हैं, कितने अच्छे से कलर आ गया। अब इसमें हम भिंडी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारी सब्जी थोड़ी सी ठीक लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा लगभग 1/2 कप पानी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप ग्रेवी पसंद करते हैं वैसा ठीक रख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट पका लें।
चेक कर लेते हैं, देख रहे हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम लास्ट में 8 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, इससे सब्जी का टेस्ट अलग ही आता है। और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 सेकंड के लिए हमें और पका लेना है। इसे मैं कवर कर देती हूँ और इसे 1 से 2 सेकंड और पकाती हूँ। 1 से 2 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं हमारी सब्जी अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। हमें भिंडी को ज़्यादा पकाना नहीं है, ऑलरेडी फ्राई किया और भिंडी है, तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए जी, हमारा भिंडी मसाला करी तैयार है। इसे आप रोटी, पराठे, चपाती से खाइए और अपनों को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।